धोरण 12 बोर्ड की परीक्षा योजा के केम तेने लईने विद्यार्थियों ने वालियों में चाली रहेली चर्चा नो मंगलवार दिवसे अंत आव्यो हतो। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा लेवामां आवती धोरण 12 विज्ञान और सामान्य प्रवाह की आ वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं राबेता मुजबनी पद्धति 1 जुलाई थी गुरुवार शुरू थशे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अध्यक्ष स्थाने मळेली उच्चस्तरीय बैठक में आ निर्णय लेवामां आव्यो हतो। राज्य में प्रवर्तमान कोरोना संक्रमण की विशिष्ट परिस्थिति में धोरण 12 बोर्ड परीक्षाओं योजवा अंगे चर्चा विचारणा बाद आ महत्वपूर्ण निर्णय करवामां आव्यो हतो। शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा और शिक्षण राज्यमंत्री विभावरीबेन दवेए आ अंगेनी विगतो आपता जणाव्यु कि समग्र राज्य में 1.40 लाख जेटला विद्यार्थियों धोरण 12 विज्ञान प्रवाह में और 5.43 लाख जेटला विद्यार्थियों सामान्य प्रवाह में ने कुल 6.83 लाख विद्यार्थियों आ परीक्षा में बेसवाना छे। दर वर्षनी प्रस्थापित प्रणाली मुजब विज्ञान प्रवाह में लगभग भाग एक में 50 गुणनी बहुविकल्प MCQ OMR पद्धति और भाग बे में वर्णनात्मक लिखित स्वरूपनी 50 गुणनी परीक्षा एम 3 कलाकनी परीक्षा योजाशे। परीक्षा अंगेनी चर्चा माटे आज रोज माननीय मुख्यमंत्रीश्रीनी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय मीटिंग मळी हती। तेमां नक्की थया प्रमाणे गुजरात बोर्ड द्वारा धोरण 12 परीक्षाओ हालनी पद्धति प्रमाणे ज लेवामां आवशे। विज्ञान अने सामान्य प्रवाहोनी परीक्षाओ तारीख 1/7/21 गुरुवार थी चालू थशे। समग्र राज्य में 1,40,000 विद्यार्थियों विज्ञान प्रवाह में अने 5,43,000 विद्यार्थियों सामान्य प्रवाह में एम कुल 6,83,000 विद्यार्थियों परीक्षा में भाग लेशे। दर वर्षनी चालू पद्धति प्रमाणे विज्ञान प्रवाह भाग एक 50 गुणनी बहुविकल्प MCQ OMR पद्धति अने भाग बे वर्णनात्मक 50 गुणनी 3 कलाकनी परीक्षा रहेशे। आज प्रमाणे सामान्य प्रवाहनी 100 गुणनी वर्णनात्मक परीक्षा लिखित अभ्यासक्रमनी 3 कलाकनी रहेशे। संपूर्ण SOP ચુસ્તપણે પાલન થાય એ પ્રમાણે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કડક સૂચના તંત્રને આપી છે। સરકાર વિદ્યાર્થીનું સ્વાસ્થ્ય, ભાવિ અને કેરિયર એ ત્રણેયનું ધ્યાન રાખે। समग्र तंत्र ने आपवामां आवी छे। SOP प्रमाणे परीक्षा खंड में 20 विद्यार्थीओ बेसी सके तेवी व्यवस्था करवामां आवशे। हालनी व्यवस्था में परीक्षा केन्द्रों અને પરીક્ષા ખંડો એમાં જરૂરી વધારો કરવામાં આવશે। વિદ્યાર્થીને પોતાના નિવાસસ્થાનથી નજીકમાં નજીક તાલુકા મથક ઉપર કેન્દ્ર મળી રહે, પરીક્ષા કેન્દ્ર મળી રહે, એની સુવિધા મળી રહે